सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित नितिन शास्त्री पर। प्रिय दर्शकों, समय क्यों बलवान होता है, समय को बलवान क्यों कहा गया है? किसी कार्य को करने की निर्धारित अवधि को समय कहा जाता। समय क्या है, क्या महत्व है, और समय रहते अगर कोई कार्य न किया जाए तो उसका क्या परिणाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्या है। समय एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी दशा जो हर मनुष्य के लिए एक अहम स्थान रखती है। समय सर्वे कार्या कुर्वन्तु लाभाप्रदम्। समय रहते अगर सब कार्य किए जाए तो लाभ ही लाभ को देने वाले होते हैं। जैसे कि समय रहते कोई कार्य करते हैं उससे लाभ मिलता है, लेकिन समय के निकल जाने पर उस कार्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता। लोगों को नौकरी मिलती है, समय अनुसार विवाह होता है, समय अनुसार समय की महानता को बड़े बड़े सिद्ध भी स्वीकारते हैं। समय रहते डॉक्टर के पास से अगर मरीज आए तो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, लेकिन अगर समय निकलने के बाद आए तो बड़े बड़े डॉक्टरों के भी पसीने छूट जाते हैं। सिर्फ समय का ही फर्क है। बात करते हैं एक लघु कथा, एक पौराणिक कथा की। समय का महत्व उस कथा में बताया गया है। एक बार मां लक्ष्मी और समय में शर्त हुई कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ कहते। मां लक्ष्मी कहती मैं श्रेष्ठ और समय कहता मैं बलवान। अब दोनों में शर्त हुई कि पता लगाया जाए कि धन और समय दोनों में से बलवान कौन है। लक्ष्मी मां कहती है कि मैं श्रेष्ठ, हमेशा हमेशा मुझे पाने के लिए लाल प्रिय रहता है। लक्ष्मी माता कहती है कि धन प्राप्ति के लिए हर मनुष्य बेचैन रहता है, दिन रात भागता है, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूं। कार से लेकर गरीब मजदूर हर वर्ग लक्ष्मी की का मेरी पूजा करते हैं कि मैं उनके घर में सदैव चिर रूप में निवास कर। हर कोई मेरे सम्मुख हाथ जोड़कर यही कहता है कि लक्ष्मी माता हमारे परिवार में निवास करें, हमें कभी भी आपकी कमी का अनुभव न हो। इसीलिए मैं जिसे चाहती हूं उसे राजा बना देती हूं और जिसको चाहूं उसको रंग सरस्वती से रहा न गया। लक्ष्मी माता के इस प्रकार के वचन सुनकर सरस्वती माता बोल, तू अपनी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोल रही, सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूं। सरस्वती माता कहती है लक्ष्मी माता से कि सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूं। बुद्धि हूं मैं ही, बुद्धि हूं मैं ही, ज्ञान हूं मैं, जिसका साथ छोड़ देती हूं उसको पागल बना के, और जिसके साथ वह विद्वान बुद्धिमान गुणी कहलाता है। मेरी कृपा जिस पर होती है वह अपनी बुद्धि के अनुसार लक्ष्मीवान बन सकता है, किंतु तुम किसी को बुद्धिमान, लेकिन बुद्धि से धन अर्जित किया जा सकता है। तब समय बोला, तुम अपनी बातों को इस प्रकार बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोल रहे हो, सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूं। समय बोला कि सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, मैं समय हूं, हर किसी का प्रत्यक्षी हूं। मैंने राम रावण युद्ध कराया, मैंने महाभारत कराई, बिना समय आए कुछ नहीं होता। इस तरह तीनों अपने आप को श्रेष्ठ कहते हुए झगड़ने लगे और झगड़ते हुए राजा के पास गए और तीनों अपना अपना परिचय देने के बाद बोले कि हे राजा, अब तुम ही निर्णय करो
कि हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। राजा ऐसा सुनकर बड़े असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। राजा सोचने लगे कि अब इनका निर्णय किस प्रकार किया जाए। ये तीनों तो अपनी अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं, अब तीनों का निर्णय किस प्रकार किया जाए, क्योंकि यह कार्यभार तो इन्होंने मेरे ऊपर सौंप दिया है। राजा सोचने लगे कि अगर लक्ष्मी जी को श्रेष्ठ कहूं तब सरस्वती और समय रुष्ट हो जाते हैं, सरस्वती को श्रेष्ठ कहूं तो समय और लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं, या अन्य को श्रेष्ठ कहूं तब अन्य रुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार राजा बड़ी ही द्विधा में पड़ गया और सोचने लगा कि तीनों में से श्रेष्ठता का निर्णय किस प्रकार लिया जाए। उस दिन का राज्यकाल बर्खास्त कर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिस किसी ने भी इन तीनों में से श्रेष्ठ का निर्णय कर दिया उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन एक चोर का भी फैसला होना था, उसने भी वह घटना सुनी। दूसरे दिन जब दरबार में राजा की पेशी हुई तो उसने चुटकी बजाते हुए कहा कि राजा इन तीनों में से श्रेष्ठता का निर्णय तो मैं चुटकी में कर सकता हूं। यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, राजा खुश हो गया और प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा ठीक है, अगर तुम बता देते हो तो तुम्हारी सजा माफ, और अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। चोर ने राजा का फैसला मंजूर कर लिया। दूसरे दिन दरबार लगा, चोर आया और समय सरस्वती और लक्ष्मी भी वहां पर उपस्थित हुए। तब चोर ने राजा से कहा कि मुझे कुछ समय के लिए सिंहासन पर बैठना होगा, यानी कि राजगद्दी पर कुछ समय के लिए बैठना होगा, अतः आप कुछ देर मेरे स्थान पर आ जाए और मैं वहां पर आपकी राजगद्दी पर आ जाता हूं। राजा ने उसी प्रकार किया जिस प्रकार चोर ने कहा। तब चोर ने सिंहासन पर बैठकर लक्ष्मी को हाजिर होने के लिए कहा, चलो आप एक तरफ खड़े हो जाओ। लक्ष्मी चुपचाप चली गई। फिर चोर ने सरस्वती को बुलाया और कहा, अगर आपने मुझे बुद्धि दी होती तो आज मैं चोरी क्यों करता। वह भी सुनकर एक तरफ चली गई। फिर समय उपस्थित हुआ और चोर उठ करके समय के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि यह समय का ही तो चक्र है, जो मैं चोर होकर भी राजगद्दी पर बैठा हूं और इतना बड़ा बलवान राजा राजा होने के बाद भी एक साइड में खड़ा है। तो इस प्रकार से चोर ने बड़ी समझदारी से, बड़ी बुद्धिमता से समय सरस्वती और लक्ष्मी में तीनों में से समय की श्रेष्ठता को सबके सामने प्रमाणित किया। इस प्रकार राजा चोर की ऐसी सूझबूझ को देखकर चोर को बड़ा इनाम दिया और आदर पूर्वक चोर का जो है गुणगान किया, और इस प्रकार समय सरस्वती और लक्ष्मी में से सिद्ध हो गया कि समय सबसे श्रेष्ठ है, समय सबसे बलवान है। समय जो चाहे उसी प्रकार सब कार्य होते हैं, समय के निकल जाने पर सारे कार्य निरर्थक रहते हैं। आशा करते हैं लघु कथा रूपेण यह आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगले अंक में एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता की, माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। उसी के साथ YouTube की मैं एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहूंगा। YouTube का एक नया अपडेट आया है जिसमें आपके सब्सक्राइबर काउंट कुछ कम हो सकते हैं, क्योंकि Google की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है कि ऐसे सब्सक्राइबर जिनके अकाउंट डिलीट हो चुके हैं या जिन्होंने लंबे समय से अपने अकाउंट को असेस नहीं किया है, गूगल जो है उनकी कटनी छंटनी करेगा और ऐसे यूजर्स, ऐसे सब्सक्राइबर को आपके सब्सक्राइबर काउंट से निकाल देगा। तो हो सकता है कि आपके सब्सक्राइबर काउंट में भी कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हो जिन्होंने लंबे समय से अपना अकाउंट असेस नहीं किया हो, या उनमें से कुछ ऐसे हैं जो स्पैम है या जिन्होंने अपने अकाउंट खुद डिलीट कर दिए हैं। तो ये था YouTube की तरफ से एक छोटा सा अपडेट।
अगले अंक में एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय माता की। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे।